Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And in the series of discussing various educational philosophies, this time I am going to discuss the last topic of this paper, that is humanism, Manavatavad. And this lecture will be useful for your various competitive teaching examinations as well as for your regular BA, MA and professional BA, MA courses. So let's start. मानवतावाद, हम लोगों ने बहुत सारे वाद पढ़े हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड मार्क्सिज्म, एंड दिस वन इज द लास्ट इन योर सिलेबस, मानवतावाद. तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसा वाद है जिसकी शुरुआत साइकोलॉजी में हुई है और फिर ये फिलोसफी में आया है. इसलिए हम पहले साइकोलॉजिस्ट देख लें कौन कौन है जिन्होंने इस पे काम किया है, फिर ये वाद क्या है, किस तरीके की चीजों को भत्ता देता है, इसके लिए मूल्य क्या है, इसके लिए ज्ञान क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, ये डिस्कस किया जाएगा आपसे इस वीडियो में. तो जो ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी थी वॉज डेवलप्ड बाई अब्राहम मैस्लो. अब्राहम मैस्लो साहब का नाम हम लोगों ने बहुत सुना है. मैस्लो की हायरार्की थ्योरी पढ़ते हैं, नीड हायरार्की थ्योरी, तो उन्होंने ही इस थ्योरी को डेवलप किया. इसके अलावा रोजर्स, आपको अगर याद हो कार्ल रोजर्स को हम लोगों ने पढ़ा था तो याद होगा कि ये रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ की बात करते हैं कि दोनों में अंतर है. इसी अंतर को कम करने का काम शिक्षा है. रियल सेल्फ जो हम एक्चुअली हैं और आइडियल सेल्फ जो हमको होना चाहिए. एंड जेम्स एफ टी ब्यूजेंटल इन द अर्ली 1900s. तो ह्यूमनिज्म क्यों ये आया, ये इट वॉज अ रेस्पॉन्स टू द कॉमन एजुकेशनल थ्योरीज एट द टाइम. वो कह रहे हैं कि उस वक्त जो शैक्षिक सिद्धांत प्रचलित थे उनके प्रत्युत्तर में ये आया. और प्रचलित क्या था उस वक्त, व्यवहारवाद और साइको एनालिसिस की बहुत बात हो रही थी. अब्राहम मैस्लो इस मूवमेंट के फादर रहे, जनक रहे और उन्होंने बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट रहे वो ह्यूमनिज्म के. मानवतावाद में सबसे ज्यादा नाम अगर साइकोलॉजिस्ट में लिया जाए तो अब्राहम मैस्लो का लिया जाएगा. और उन्होंने एक पिरामिड बनाया था, पिरामिड बताया था हमको, हायरार्की ऑफ नीड्स, मतलब इन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं की भी हायरार्की बना दी. हायरार्की का मतलब ही होता है कि आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्रम. तो इन्होंने बताया कि हमारी आवश्यकताएं, जो पहले मूलभूत आवश्यकता आदमी पूरी करता है, फिर उससे मूलभूत आवश्यकता में क्या आएगा, फूड शेल्टर आ जाएगा. जब वो पूरी कर लेगा तो उसको सेफ्टी का कंसेप्ट आएगा कि सेफ हम हों. जब वो सेफ भी हो जाएगा तो उसमें अंदर बिलोंगिंगनेस का कंसेप्ट आएगा कि वो किसी से बिलोंगिंगनेस हो, वो अलग थलग ना रहे. जब वो बिलोंगिंगनेस भी मिल जाएगी तो वो रेस्पेक्ट का उसके अंदर कंसर्न आएगा. और उसके बाद जब हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, हमारे पास पैसा, रुपया, नाम, सम्मान, सब कुछ होता है हमारे पास, तब हमको ये फील आता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम अपने अंदर हम चाहते हैं कि हम जो करने, जो पर्पस, जो गोल हमारा इस जिंदगी का है वो पूरा कर सकें, हम अपना बेस्ट शो कर सकें, बेस्ट पोटेंशियल हमारा निकले. और ये टॉप ऑफ द पिरामिड होता है. तो इस तरीके की हायरार्की ऑफ नीड्स की बात अब्राहम मैस्लो ने की थी. अब देख तो मनुष्य की महत्ता है ना, कि मनुष्य की पहले मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करो, उसको सेफ्टी भी दो, लव बिलोंगिंगनेस भी मिले और उसको रेस्पेक्ट फ्रीडम भी दो, लास्ट में आप इतना कर दीजिए हर व्यक्ति के लिए कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेट में पहुंच जाए. यहाँ से ह्यूमनिज्म जब फिलोसफी के रूप में आप पढ़ेंगे तो ये क्या है, इट इज एन अप्रोच टू लाइफ बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी एंड रीजन. ये कह रहे हैं कि मनुष्य मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ मानवता पर और तर्क पर निर्भर है. इसको मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ, ये कह रहे हैं, मैं समझा रही हूँ आपको सिर्फ कि मानवतावादी दृष्टिकोण रखिए. कुछ ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर की इच्छा कुछ नहीं है, सब कुछ क्या होना चाहिए, जो जो मौत सॉरी मोरालिटी या नैतिकता क्या है कि मनुष्य का कल्याण हो, मनुष्य खुश रहे, मनुष्य की और फुलफिलमेंट हो, वही चीज मोरालिटी है, वही मॉरल नेचर है, वही मॉरल एथिक्स है, सब कुछ वही है. और ये कह रहे हैं कि किसी रिलीजियस अथॉरिटी को मानने की जरूरत नहीं है, आप अपना नेचुरल वर्ल्ड खुद संभालिए. आप कोई भी मॉरल एक्शन कब माना जाएगा, अगर वो ह्यूमैनिटी का कल्याण कर रहा है तो वो मॉरल है, रादर देन इन फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड. ईश्वर की इच्छा जैसा कुछ नहीं, ईश्वर की इच्छा भी इसी में है कि मानवता का कल्याण हो. और ये कह रहे हैं एक डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक और नैतिक लाइफ स्टांस है ये, जो ये मानता है कि ह्यूमन बींग्स हैव द राइट, मतलब मनुष्य के पास ये अधिकार भी है और ये जिम्मेदारी भी उसकी होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को अर्थ दे, आकार दे, फ्री इंक्वायरी हो, मतलब उसको ये उसके पास ये अधिकार हो कि वो मुक्त रूप से जांच कर सके, वो रीजन के हिसाब से काम करे, तर्क के हिसाब से काम करे. ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय इच्छा की बात नहीं है, आप अपना कल्याण कीजिए, बाकी लोगों का कल्याण कीजिए, यही सबसे बड़ा नीति शास्त्र है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है.
और क्या कह रहे हैं, ये किस तरीके की फिलॉसफी है जिसमें मनुष्य की रुचि, मूल्य और डिग्निटी को महत्ता दी जाती है। ये मानव कल्याण में फेथ है, इसका मानवता में इसका विश्वास है। और ये कह रहे हैं कि हर मनुष्य के पास वो शक्ति है साइंटिफिक मेथड और रीजन का अप्लाई करके, मतलब वैज्ञानिक विधि और तर्क शक्ति के हिसाब से, वो करेज और विजन को मिला के दूर दृष्टि और साहस के साथ अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकता है। मतलब आप उस पर कुछ अधिरोपित मत कीजिए, उस पर कुछ उसको फोर्स मत कीजिए करने के लिए। तो इस तरह से क्या निकल के आया कि ये ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू एक्ट ऑफ देयर ओन फ्री विल, यानी कि उनके पास ये योग्यता है, उनको फ्री विल से काम करने दीजिए, मुक्त इच्छा से वो अपनी चीजें खुद चुन सके, उनको क्या पढ़ना है, जीवन में क्या करना है, क्या बनना है। और हर मनुष्य अपने कोर में, अपने मूल में, अपने अंतःकरण में अच्छा है और उसके पास ये शक्ति है कि वो दूसरों का भी अच्छा कर सकता है। और आखिरी में ह्यूमंस को चाहिए क्या कि वो उस स्थिति में पहुंच जाए, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हों ताकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति में, मतलब स्वयं को एक्चुअलाइज कर पाए कि हम हैं क्या। और उन्होंने चूंकि व्यक्ति की महत्ता है इसे कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव रियलिटी ऑब्जेक्टिव रियलिटी से बढ़िया है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव रियलिटी में हमारा सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, हमारी फीलिंग्स इन्वॉल्व है, हमारा इमोशंस आता है। और ये क्या कह रहे हैं, ज्ञान क्या है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मनुष्य, चूंकि सब कुछ मनुष्य है, मनुष्य ही सब कुछ है, मनुष्य का मूल्य, मनुष्य की डिग्निटी, मनुष्य की रिस्पेक्ट, तो कह रहे हैं नॉलेज भी वही है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य है जो कि क्रिएटर है नॉलेज का, उसी योग्य और कोई नहीं। और वो हम कैसे करेंगे, हम अपने ज्ञान और तर्क से करेंगे, अनुभव से करेंगे। मूल्य क्या अच्छा है कि हमारी डिग्निटी हो, हमसे सम्मानजनक तरीके से हमको ट्रीट किया जाए और जो हमारे साथी हैं उनके संग भी डिग्निफाइड मैनर में बात हो, यही वैल्यू है। और इथिक्स क्या है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मनुष्य ऐसे एक्टर्स हैं धरती पे जो सबसे ज्यादा नैतिक है, हम नैतिकता से काम करते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारे पास इतनी क्षमता है। और भी क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं टाइप्स की बात कर लीजिए, बहुत तरीके की टाइप्स की बात की गई मानवतावाद में, कि ये सेक्युलर है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की उनको नहीं मानता है। ईश्वर को क्यों नहीं मानता है, क्योंकि ये उस वक्त आया, आप उस समय की कल्पना कीजिए कि धर्म गुरु हैं और मनुष्य को एकदम प्रताड़ित जैसा कर रहे हैं कि आप ये करिए क्योंकि धर्म में लिखा है, ये आपको दान करना है इतना, या आपको ये पूजा करानी है। इन्हें का उस सबसे जब मनुष्य को तकलीफ हो रही है तो उसका अर्थ ही क्या है, ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको ईश्वर को मानना ही नहीं, जो मनुष्य है वही भगवान है, वही सत्य है, उसी की इच्छा का पालन कीजिए, उसी को भगवान मानिए, उसी की का सम्मान कीजिए। पर कहीं कहीं रिलीजियस ह्यूमनिज्म भी मिलता है, तो वो किसी किसी थीस्टिक से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं किसी रूप में, लेकिन वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। रेनेसा ह्यूमनिज्म, रेनेसा माने क्या होता है, पुनर्जागरण। तो वो कह रहे हैं ह्यूमनिज्म इटसेल्फ एक ऐसी पॉलिसी है, फिलोसफी है जो पुनर्जागरण की बात करती है, क्योंकि मनुष्य को जागरण हो गया, उसकी जागृति हो गई, वो समझ गया कि वो क्या है, वो कितना कैपेबल है, वो कितना योग्य है, कितनी अच्छी कृति है, तो इसलिए रेनेसा। फिर पोस्ट ह्यूमनिज्म जब ये आया तो उसके बहुत आलोचक भी आए, उन्होंने कहा कि आप एक ही स्पीशीज यानी ह्यूमन पे इतना बल दे रहे हैं, बाकी स्पीशीज को आपने छोड़ दिया है, तो उसका उत्तर दिया इन्होंने। और एजुकेशनल ह्यूमनिज्म मतलब कि आप उस तरीके की शिक्षा दीक्षा दीजिए जिससे व्यक्ति की बुद्धि का इतना विकास हो सके कि मनुष्य तो है ही वो और पूर्ण मनुष्य बन सके, तो ये एजुकेशनल ह्यूमनिज्म। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बट आई थिंक कि आपके लिए ठीक है, काम का है, इससे ज्यादा आप अपनी उससे पढ़ सकते हैं, बट इतना भी पढ़ लेंगे जान लेंगे तो बहुत है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये भी फिलोसफी कंप्लीट हुई। आप चाहें तो कार्ल रोजर्स को पढ़ के उसका भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चूंकि मैं पहले डिस्कस कर चुकी थी इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि उन्होंने कैसे रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ की बात की है। आप मैस्लो की हायरार्की थ्योरी का पिरामिड का डायग्राम इसमें बना सकते हैं। और मूलतः बस आप समझ लीजिए कि मानव ही सब कुछ है इस फिलोसफी के हिसाब से, जैसे आइडियलिज्म में आइडिया सब कुछ है, नेचुरलिज्म में नेचर सब कुछ है, प्रैग्मेटिज्म में प्रयोजन सब कुछ है, एग्जिस्टेंशियलिज्म में अस्तित्व सब कुछ है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म में लॉजिक सब कुछ है, उसी तरीके से ह्यूमनिज्म में जैसे मार्क्सवादी में इकोनॉमिक्स, धन, पावर, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक जो बेनिफिट है वो सब कुछ है, उसी तरीके से मानवतावाद में मनुष्य ही सब कुछ है। ओके, सो आई हैव कवर्ड दिस लास्ट फिलोसफी ऑफ योर सिलेबस 2, दैट इज ह्यूमनिज्म। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय